नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। रामपुर में दो बसों की हुई भिड़ंत, कई यात्री हुए घायल, मची चीख पुकार। आज रामपुर में थाना मिलक क्षेत्रांतर्गत हुई रोडवेज बस व वोल्वो और प्राइवेट बस भिड़ंत हो गई, जिसमें काफी लोग घायल हो गए। दुर्घटना के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस और एम्बुलेंस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। घायलों को देखने पहुंचे जिला अधिकारी रामपुर जोगेंद्र सिंह तथा पुलिस अधीक्षक रामपुर विद्यासागर मिश्र जिला अस्पताल पहुंचे और वहां पर पहुंचकर घायल व्यक्तियों से पूछताछ की। समय था लगभग 4 बजे का, जिसमें एक यूपी रोडवेज की जो जनरल बस होती है उसका और एक प्राइवेट बस थी, उसके बीच में एक्सीडेंट हुआ है NH 24 पर तहसील मिलक में। उसमें लगभग 49 लोग घायल हुए हैं, 3 कैजुअल्टी हुई हैं और अभी यहाँ CSC मिलक में लगभग सबको रेफर भर्ती कराया गया था। उसके बाद 9 लोगों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और सभी का इलाज सुचारू रूप से चालू है। सभी के डिटेल्स हैं वो नोट किए जा रहे हैं। उसमें लगभग 3 कैजुअल्टी हुई हैं, संभवतः एक ड्राइवर है जन्नत बस का और बाकी 2 और कैजुअल्टी हैं। सर बताना है कि रूट सर डाइवर्ट था? सर रूट डाइवर्ट नहीं, देखिए रूट डाइवर्ट नहीं था, ये कांवड़ का समय चल रहा है तो जो ये प्राइवेट बस आ रही थी वो रॉन्ग साइड पर आ रही थी और सुबह का समय था तो उसी समय। और ये जो पॉइंट है आपका, ये ट्राई जंक्शन का पॉइंट है, तहसील के लिए क्या कहते हैं कट है इसमें हाईवे पर, वहीं पर ये एक्सीडेंट हुआ। Thank you, sir.